हे गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर वीडियो चैनल में। मैं हूं आपका एजुकेटर मास एंड इलेक्ट्रॉन बैलेंस। जो है उसके कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है यहां पे भी आया था, उसी तरीके का क्वेश्चन यहां पे भी अपीयर हुआ है। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कई सारी चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। तो क्या पूछना चाह रहा है कि बताइए कि एस्टिमेट द थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड आपको बताना है इस इक्वेशन के लिए, जब ग्लूकोज जो है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। गिवन दैट वाई एक्स ए टी पी जो है 10.5 ग्राम ड्राई वेट पर मोल एटीपी है, और यील्ड जो है ग्लाइकोलिसिस का 2 ए टी पी पर मोल ऑफ द ग्लूकोज है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो है यूनिट मोल ऑफ ग्लूकोज दिया है, ये ग्राम ड्राई वेट मोल ऑफ एटीपी दिया है। तो यहाँ पे जो केस पूछा जा रहा है, ग्राम ड्राई वेट और ग्राम ग्लूकोज का पूछा जा रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे GDW का मतलब है ग्राम ड्राई वेट। सो अगर इस इक्वेशन में एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज 46, एंड ग्लूकोज का अगर नहीं पता है तो 12 × 6, उसके बाद 1 × 12 एंड 16 × 6 करके जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 180 के बराबर आएगा। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जो है 180 हो गया। ये चीज आपके पास आ गई। अब इन्होंने पूछा है आपसे कि बताइए वाई एक्स एस क्या होगा, दैट मीन्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एस, ये आपको चाहिए। लेकिन दिया हुआ इन्होंने वाई एक्स ए टी पी, दैट मीन्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा ए टी पी दिया हुआ है, राइट और ये वैल्यू दी हुई है आपको 10.5। इन्होंने क्या दिया हुआ है, 10.5 दी हुई है। इसके अलावा एक वैल्यू दी हुई है, दैट इज वाई ए टी पी बाई डेल्टा एस, एंड दैट इज योर 2, ठीक है, ये वैल्यू 2 दी हुई है। अगर इन दोनों वैल्यू को अगर ध्यान देने की कोशिश करें तो इन दोनों वैल्यू में यहाँ पे जो आपको अपीयर हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा। अगर इस दो इक्वेशन को, ये है आपका पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए वाई एक्स ए टी पी इंटू वाई एक्स ए टी पी बाई डेल्टा एस करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा ए टी पी इंटू, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा ए टी पी, ठीक है ना, ये क्या एक्चुअली 2 की वैल्यू है, देखिए लेकिन ये क्या डेल्टा ए टी पी बाई डेल्टा एस, तो डेल्टा ए टी पी बाई डेल्टा एस हो जाएगा। ए टी पी ए टी पी कैंसिल एंड दिस विल बी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एस, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ये मोल में दिया हुआ है और ये पूछ रहा है ग्राम बाई ग्राम में, और आपको पता है अगर एक मोल में कितना ग्लूकोज का वेट होगा, एक मोल में अगर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर आपको वेट चाहिए तो वेट विल बी 1 × मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 180 यानी 180 ग्राम, सीधी सी बात है। तो यहां पे हम इस चीज को पुट कर सकते हैं, अगर हमको मोल की बजाय ग्राम में चाहिए तो 2 ATP डिवाइडेड बाई 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सो अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर केस की जो वैल्यू है आपको जो मिलने वाली है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वैल्यू क्या है, 10.5 × 2 डिवाइडेड बाई 180, ये 2 डिवाइडेड बाई 180 रखा इसका वाला केस, और ये वाला केस में आपने इसकी वैल्यू रखी, तो ये वैल्यू इस वाले फॉर्मूला के आ गया और इसका आ गया 2/180। सॉल्व करेंगे तो 0.117 आ जाएगा, 0.117 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दैट इज द सेकेंड वन, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था यहां पे, जो कि आप देख सकते थे। तो कई सारे क्वेश्चंस इसमें जो है पूछे जा सकते हैं, कभी कभी एथेनॉल का पूछा जाता है, कभी कभी आपको CO2 का पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन में अगर बात करूं तो ध्यान दीजिए कि C6H12O6 कन्वर्ट होता है तो 2 मोल ऑफ C2H5OH प्लस आपको 2 मोल ऑफ CO2 बना रहा होता है, ये इक्वेशन है। अगर हम मॉलिकुलर वेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मॉलिकुलर वेट होता है ग्लूकोज का 180, एथेनॉल का मॉलिकुलर वेट होता है 46 एंड CO2 का मॉलिकुलर वेट होता है आपका 44, ये आपका पाया जाता है, ठीक है, दिस इज योर केस जो कि आपको अपीयर हो रहा होता है। अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में बात करें हम, तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि कभी कभी अगर थ्योरेटिकल यील्ड, ध्यान दीजिएगा थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर बात करें, थ्योरेटिकल यील्ड जो है अगर एथेनॉल की बात करें C2H5OH, तो उसमें क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द सबस्ट्रेट, यही तो था फॉर्मूला। तो इसी चीज पे नंबर ऑफ मोल कितना बन रहा है वो है 2, मॉलिकुलर वेट कितना है वो है 46,
डिवाइडेड बाई अगर 180 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.51। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दिस इज ग्राम बाई ग्राम जो है आपको एथेनॉल का थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगा। कभी कभी आपको CO2 का भी थ्योरेटिकल यील्ड मान लीजिए पूछ दिया आगे कभी किसी क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड के लिए अगर CO2 का पूछा जाए तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज 2। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2 बन रहा है, ये भी 2 बन रहा है, तो नंबर ऑफ मोल इज 2, मोलिकुलर वेट है 44 डिवाइडेड बाई दिस इज 180। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.48 ग्राम CO2 डिवाइडेड बाई ग्राम ग्लूकोज ये मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि इसमें नहीं पूछा गया है लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, अगर कभी आपको लगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके पास अपियर हो रहे थे। दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन स्टोचियोमेट्री के टॉपिक्स जो हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दिस इज लाइक सेवेंथ क्वेश्चन, इन द स्टोचियोमेट्री इक्वेशन गिवेन बिलो आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरिस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीजन बैलेंस, इनमें से जो है कौन ऑक्सीजन बैलेंस को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। देखिएगा ये इक्वेशन आपके पास अपीयर होता है, इस इक्वेशन में ये पूरा का पूरा इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो इक्वेशन में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन देखेंगे तो ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही आपके राइट हैंड साइड होना चाहिए। सो ऑक्सीजन यहाँ पे Y है लेफ्ट हैंड में, ये देखिए एक Y, यहाँ पे A और 2 2A, यस, और यहाँ पे देखिएगा H और B BH, तो लेफ्ट हैंड साइड में Y प्लस 2A इंटू BH आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में ओ यहाँ पे बीटा एंड सी है तो सी बीटा, इसके बाद डी और टू है 2D एंड यहाँ पे ई है तो 2 प्लस ई। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर ऑक्सीजन बैलेंस, ये ऑक्सीजन बैलेंस का इक्वेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे वो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज द थर्ड वन। इसी तरीके से इस इक्वेशन में बाकी चीजें भी बैलेंस कर सकते थे, ये जो बैलेंस था वो ऑक्सीजन का था। मैं यहीं पर अगर नाइट्रोजन बैलेंस, आपको एक एक्स्ट्रा चीज पूछ दूँ कि व्हाट इज द केस ऑफ नाइट्रोजन बैलेंस, तो नाइट्रोजन बैलेंस का केस जो बनने वाला है, ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है, तो नाइट्रोजन बैलेंस के केस में मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं सो दैट इधर है जेड, ठीक है ना, तो दिस विल बी लाइक जेड, जेड के बाद जो है फिर आपके पास हो जाएगा, इसमें कोई नाइट्रोजन नहीं है, इसमें I और B, तो दिस विल बी Z प्लस बी आई लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एंड C, तो C डेल्टा प्लस कुछ नहीं है, तो ये चीज जो आपके पास है ये नाइट्रोजन बैलेंस है। इस तरीके से आप कुछ भी बैलेंस कर सकते हैं, कार्बन एंड ऑल एंड ऑल, तो ये जो है अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपका नाइट्रोजन बैलेंस का है, दिस वन इज फॉर नाइट्रोजन बैलेंस। अगर W इज इक्वल टू सी प्लस डी, कार्बन बैलेंस को देखोगे तो यहाँ पे W है, यहाँ पे C है और यह है D, तो यह है कार्बन का बैलेंस, देखा। इसी तरीके से ये देखोगे X वाला है तो ये हाइड्रोजन को बैलेंस करा, X प्लस BG हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का जो है अल्फा C है एंड 2E है, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन बैलेंस है। तो इस पूरे ऑप्शन में एक्चुअली अगर आप देख पा रहे होगे तो ये जो है ये आपका कार्बन बैलेंस है, दिस इज योर कार्बन बैलेंस, ये जो है वो है आपका हाइड्रोजन बैलेंस, ये जो है वो है ऑक्सीजन बैलेंस, और ये जो है नीचे वाला वो है नाइट्रोजन बैलेंस। तो इस तरीके से बैलेंस जो है आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका बैलेंस वाला प्रोसेस था। अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं दैट इन अ बायो प्रोसेस एज्यूम्स ओनली द सेल मास इज फॉर्म्ड, एक बायो प्रोसेस में आप एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है सेल मास ही फॉर्म हो रहा है। ड्यू टू द वेरिएशन इन प्रोसेस कंडीशंस इफ द माइक्रोबियल सेल यील्ड इज हाफ, माइक्रोबियल सेल यील्ड जो है वो का हाफ हो जा रहा है, व्हाट वुड बी द रेट फॉर द सब्सट्रेट कंजम्पशन टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ सेल मास प्रोडक्शन। किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में किसी वेरिएशन की वजह से उसका यील्ड हाफ हो जा रहा है, आप चाहते हो कि जो बायोमास का प्रोडक्शन है वो सेम रहे, तो आप क्या करना चाहोगे, इस कंडीशन को जरा समझिएगा, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, कि अगर फॉर एग्जांपल
वाई एक्सेस इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एस माइनस लगा रहता है। मान लीजिए कि ये जो है, अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में डेल्टा एक्स बाई एक्स में ये है 0 1, ठीक है ना, मान लीजिए 1 है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ बायोमास जो है डिवाइडेड बाई 1 ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट। 1 ग्राम सब्सट्रेट से 1 ग्राम बायोमास बन रहा था, यानी यील्ड आपकी 1 आ रही थी। ये हमने एज्यूम किया है, क्या किया, एज्यूम किया है। अभी बोल रहा है कि ड्यू टू द सर्टेन वेरिएशन, किसी भी वजह से हो सकता है कि वेरिएशन हुआ, ड्यू टू द सर्टेन वेरिएशन। अब वेरिएशन की वजह से अगर मैं बात करूं आपसे, तो एग्जैक्टली क्या कंडीशन आपके पास आएगा कि आपका जो यील्ड है वो हाफ हो जा रहा है, ठीक है ना, वाई एक्सेस विल बिकम 0.5, ये हो जा रहा है। अब हाफ कर दिया आपने, तो अब बोल रहे हैं कि बायोमास को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। बायोमास मतलब बायोमास जो है सेम होना चाहिए, दैट मेंटेन द सेम रेट ऑफ सेल मास, सेल मास मतलब बायोमास, ठीक है। सो अगर यील्ड हाफ हुआ है और आप ये चाहते हो कि 1 ग्राम बायोमास हो, ये चेंज ना हो, ठीक है ना, ये जो है आपका सेम होना चाहिए, तो आपका सबस्ट्रेट पे क्या होगा अगर करना है, तो इसके लिए डेफिनेट सी बात है कि 2 ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट होगा, तभी तो वो जाके आपका 0.5 बनेगा ना, हाफ हो जाएगा पहले से। तो जब सबस्ट्रेट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सबस्ट्रेट पहले से आप डबल कर दे रहे हो, तभी जाके आपका यील्ड जो है वो हाफ हो जा रहा है। सो एग्जैक्टली यही कंडीशन आपका पाया जाता है, यही चीज यहाँ पे पूछी जा रही है कि अगर आप बायोमास को चेंज नहीं कर रहे हो तो सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है डबल हो जाएगा, हाफ होगा नो, अनचेंज रहेगा नो, चार फोल्ड नहीं, डबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द केस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, होप कि आपको यहां तक समझ में